वेतन विसंगति को दूर किए जाने सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में 7 जून से कलमबंद हड़ताल कर रहे ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर सर्किट हाउस में प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। इस दौरान समन्वय समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को सिंचाई मंत्री के समक्ष रखा। मामले को संज्ञान में लेते हुए सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने समन्वय समिति के सदस्यों को उनकी मांगों पर जल्द ही उचित कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया, साथ ही उनसे तत्काल हड़ताल खत्म करने की बात कही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, आपकी जो कुछ और कठिनाई संज्ञा तंत्र है, बात करने का मौलिक अधिकार है, हड़ताल का माननीय पंचायत राज मंत्री हड़ताल सुनने अब कर क्या आप नहीं गलत काम हम लोग हम करेंगे तो आप हड़ताल में हड़ताल खत्म करो। हम लोगों ने अपना पक्ष माननीय मंत्री जी के सामने रखा और उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग हड़ताल समाप्त करें और अपने विभागीय मंत्री चाहे पंचायत राज मंत्री हो चाहे ग्राम विकास मंत्री हो उनसे मुलाकात कर आपकी जो और कठिनाइयां हैं उनके सामने रखें। लेकिन जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष के नाते मुझे ये कहना है कि पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार लोकतांत्रिक तरीके से समन्वय समिति अपनी बात प्रशासन और शासन के सामने रखते हैं, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों पर गंभीरता नहीं दी। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप लोग हड़ताल खत्म करिए फिर हम आगे बात करें। अभी जब तक हमारे प्रदेश नेतृत्व से कोई इस आशय का कोई संदेश नहीं आता तब तक हम लोग का कर्म कार बहिष्कार हड़ताल सब हम लोग यूज ही नहीं करें, हम लोग जो कार बहिष्कार वो जारी रखेंगे।